महाभारत की एक कथा में आता है कि अर्जुन को एक बार एक नियम तोड़ने के कारण अकेले ही 12 वर्ष वनवास जाना पड़ा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या था वो नियम और क्यों तोड़ा था अर्जुन ने वो नियम। अज्ञातवास के दौरान पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। जब अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उसके बाद वे सभी इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है, जब सभी पांडव राज्यसभा में बैठे थे तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। पांडवों ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया। वहां द्रौपदी भी आई और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली गई। द्रौपदी के जाने के पश्चात नारद ने पांडवों से कहा कि पांडवों, आप 5 भाइयों के बीच द्रौपदी मात्र एक पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि एक स्त्री को लेकर भाइयों में झगड़े मौत का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा कहकर नारद मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है, सुंद और उपसुंद दो असुर भाई थे। दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोनों दो जिस्म एक जान थे। उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके तपस्या प्रारंभ की। कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोनों भाइयों ने उनसे अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है, तुम कुछ और मांग लो। तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा ही मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों भाइयों ने वरदान पाने के बाद तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। उसके बाद एक दिन दोनों भाई एक पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रहे थे, तभी वहां तिलोत्मा, जो कि विश्वकर्मा की सुंदर रचना थी, कनेर के फूल तोड़ने लगी। दोनों भाई उस पर मोहित हो गए। दोनों में उसके कारण युद्ध हुआ। सुंद और उपसुंद दोनों ही मारे गए। तब नारद बोले, इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं। तब पांडवों ने उनकी प्रेरणा से ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर भाई द्रौपदी के पास रहेगा। एकांत में यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को देख लेगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा। तत्पश्चात पांडव द्रौपदी के पास नियमानुसार रहते। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गायें लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण पांडवों के पास आया और अपनी सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गायें छीन ली गई है। अगर तुम अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते हो तो तुम निसंदेह पापी हो। लेकिन पांडवों के सामने अड़चन ये थी कि जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे उसी कमरे में उनके अस्त्र शस्त्र थे। अब एक और कौटुंबिक नियम और दूसरी तरफ ब्राह्मण की करुण पुकार। तब अर्जुन ने प्रण किया कि मुझे इस ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, चाहे फिर मुझे उसका प्रायश्चित क्यों न करना पड़े। उसके बाद अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपकी गायों को आपको लौटा देता हूं। फिर अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर से कहा, मैंने एकांत गृह में आकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसीलिए मुझे वनवास पर जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम मुझसे छोटे हो और छोटे भाई यदि अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा हो तो बड़े भाई के द्वारा उनका एकांत भंग करना अपराध है, लेकिन जब छोटा भाई यदि बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वह क्षमा का पात्र है। इस पर अर्जुन ने कहा कि आप ही कहते हैं धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वनवास को चल पड़े। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि अर्जुन ने अपने जीवन काल में कितनी बार विवाह किया था। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।